आप देख रहे हैं न्यूज़ वो नेशन में आपके साथ अब जिस पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के द्वारा महिला प्रकोष्ठ के द्वारा जो मंत्री सुरेंद्र यादव हैं उनकी पुतला दहन किया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम राष्ट्रीय लोक जनता दल के महिला प्रकोष्ठ हैं वो पुतला दहन किए हैं। क्यों पुतला दहन किया हम इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आप लोग क्यों आप लोग सुरेंद्र यादव का पुतला क्यों दहन किए। क्योंकि वो वहाँ की हमारी जिला परिषद किरण ने भी उनका अपमान किया, उन्होंने उन्हें कहा को हाफ पैंट पहन के वोट मांगती है, तो कहीं न कहीं सुरेंद्र यादव जो है वो महिलाओं से डर गए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार महिलाओं को 50% आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण दिए हैं बिहार में, तो ये क्या मतलब हुआ। एक तरफ आप राजनीति में आने की मतलब करते हैं, दूसरे तरफ आपका आपके गठबंधन की मंत्री है जो इस तरह महिलाओं की बेइज्जती करते हैं, क्योंकि वो डर चुके हैं, उसकी लंदेवी से डर चुके, खुल के कह रहे हैं कि अगर ये हम ये इनके इनके कारण मेरा वोट बैंक में दिक्कत हो रहा है, मैंने बहुत सारा वोट बैंक उनका घसक रहा है, क्योंकि वो बहुत मजबूत महिला है, तो बहुत मजबूत महिला होने के कारण उनके साथ इस तरह से उनको रोका जा रहा है। लेकिन ये सुरेंद्र यादव की मानसिकता, छोटी मानसिकता की सोच है। अब महिलाएं 50% आरक्षण आधी आबादी होने के कारण हर जगह महिलाएं उपस्थित है, चाहे नौकरी हो चाहे राजनीति हो कहीं भी, तो इस तरह से अपमान करके किसी महिलाओं को रोक नहीं सकते। और हम लोग इस हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल इस अपमान का आंदोलन शुरू कर चुकी है, क्योंकि हम लोग 50% आरक्षण का मांग कर नीतीश कुमार से रखे, केंद्र में भी रखे हैं, तो हमें उसका आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, हमें इस तरह से रोकने का अधिकार नहीं है। इसलिए सही में नीतीश कुमार आज मजबूरी कुमार बन चुके हैं। क्या कुछ कहिएगा आप आज पुतला दहन किया इनकम टैक्स गोलंबर? बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि ऐसे मंत्री का मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं है और ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाए, नीतीश जी की चुप्पी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस आंदोलन के बाद भी अगर उन्होंने कोई वो नहीं लिया, कोई भी निर्णय नहीं लिया उनको बर्खास्त करने का, तो हम आगे भी तरह तरह के आंदोलन करेंगे उसके खिलाफ और उनको न्याय दिलाने की जरूर कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके मंत्री, बिल्कुल यही आश्चर्य की बात है कि जो मंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी हैं वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के लिए योजना चला रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में उनकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है। जब उन्होंने सुना है कि ऐसा बयान है तो उनको बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। और अब सारा महागठबंधन में रहते हुए बस यही समझ में आ रहा है कि अब नीतीश कुमार नहीं मजबूरी कुमार बन के रह गए हैं। आगे ऐसा ही आप महिलाओं के लिए के मुद्दा उठा रहे हैं? बिल्कुल महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेगी रालोजत पार्टी, बिल्कुल नहीं सहेगी, और महिलाओं का ऐसा जो भी मुद्दा होगा हम लोग डट के खड़े हैं और उनके सम्मान के लिए लड़ेंगे। सुरेंद्र यादव को बर्खास्त करने की? जी बिल्कुल, सुरेंद्र यादव को बर्खास्त होना ही चाहिए। कोई वो नहीं है कि उनको मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सुरेंद्र यादव जैसे मंत्री किसी भी समाज के लायक नहीं है, मंत्रिमंडल क्या वो समाज में रहने लायक नहीं है, उनको बर्खास्त किया जाए। तो आपने सुना जो तमाम नेत्री है राष्ट्रीय लोक जनता दल के, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सुरेंद्र यादव एक महिला को टिप्पणी किए हैं इसको लेकर आज उनका पुतला दहन किए और साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, और नीतीश कुमार हैं जो मजबूरी कुमार हो गए हैं। तमाम खबर न्यूज़ फोर नेशन के साथ नमस्कार।